सनी लियोन एक ऐसा नाम है जिस पर हर शख्स अलग तरह से रिएक्ट करता है। एक्ट्रेस का पास्ट कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा। अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होना उन्हें काफी भारी पड़ चुका है। हालांकि अब वो अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल आई हैं। फिलहाल वो कांस 2023 में अपना जलवा बिखेर रही हैं, लेकिन अब वो चर्चा का विषय बन गई हैं। दरअसल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर सनी लियोनी ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो पॉर्न स्टार से आगे बढ़े। यही वजह है कि जब वो इंडिया आकर बिग बॉस का हिस्सा बनने वाली थी, तब उन्हें जान से मारने और बॉम्ब से उड़ाने तक की धमकी मिल रही थी। सनी लियोनी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं बहुत परेशान थी, मुझे अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तभी बिग बॉस के मेकर्स ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने ये बात डैनियल को बताई, डैनियल ने मुझे इंडिया जाने की सलाह दी, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैंने डैनियल से कहा, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इंडिया नहीं जा सकती, वहाँ सब मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन शो के मेकर्स ने हार नहीं मानी, वो बार बार कॉन्टैक्ट करते रहे। सनी ने आगे कहा, आखिर मैंने शो के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन शो में हिस्सा लेने से पहले मुझे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी तक दी। उन लोगों ने कहा, अगर मैं शो का हिस्सा बनूंगी तो वो मुझे बॉम्ब से उड़ा देंगे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और शो का हिस्सा बनी। आपको बता दें, सनी लियोनी बिग बॉस 5 का हिस्सा थी। इस शो ने उनकी इमेज बदलने में और उनका करियर आगे बढ़ाने में काफी मदद की। बिग बॉस के बाद सनी लियोनी रातों रात स्टार बन गई थी। उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वेल, हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।